तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता था कि आज वेदांता की बोर्ड मीटिंग थी कंपनी के डिविडेंड को लेके। आज 16 मई 2024 है और आज कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी कंपनी के डिविडेंड को लेके, और कंपनी की तरफ से डिविडेंड की जो इन्फॉर्मेशन है सारा कुछ कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या कंपनी ने यहाँ पर मेंशन किया है। तो कंपनी ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि इस क्वार्टर में कंपनी की तरफ से कुछ बड़ा डिविडेंड तो मुझे नहीं लगता है कंपनी ने अनाउंस किया है, क्योंकि फर्स्ट इंटरम डिविडेंड के रूप में कंपनी ने 11 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का ऐलान किया है। हालांकि मार्केट थोड़ा ज़्यादा उम्मीद करके बैठा हुआ था कि इस क्वार्टर में कंपनी की तरफ से 1520 रुपये के आसपास का डिविडेंड आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी देखें तो कंपनी की तरफ से एक अच्छा खासा डिविडेंड ही आप बोल सकते हैं। 11 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी को उसे डिविडेंड देने का ऐलान किया गया है, जिसका जो पूरा वैल्यू होने वाला है वो होगा 4090 करोड़ के आसपास। इस डिविडेंड के थ्रू आप समझ लीजिए 11 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी का डिविडेंड पे करती है तो कंपनी के अकाउंट से 4090 करोड़ रुपये कटने वाले हैं डिविडेंड के रूप में। और कंपनी के डिविडेंड का जो रिकॉर्ड डेट है वो क्या होने वाला है, तो कंपनी ने क्लियरली मेंशन किया है, कुछ दिनों पहले ही कंपनी ने मेंशन कर दिया था जब कंपनी ने डिविडेंड का अमाउंट बताया नहीं था। कंपनी ने बोला था कि बोर्ड मीटिंग होने वाली डिविडेंड को लेकर, तो उसी समय कंपनी ने मेंशन कर दिया था कि 25 मई कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के डिविडेंड के लिए। तो याद रखिए, अगर आपके पास शेयर है तो आपको कम से कम 25 मई तक आपको होल्ड करना है डिविडेंड के लिए। अगर आपके पास शेयर नहीं है तो आप कब तक बाई कर सकते हैं, आप 24 तारीख तक बाई कर सकते हैं। अगर आपको इस डिविडेंड का फायदा उठाना है, बेनिफिट उठाना है, तो आपको जो लास्ट डेट होगा 24 तारीख होगा। 24 तारीख तक भी अगर आप बाय करते हैं तो आपको डिविडेंड का पैसा आपके अकाउंट में आएंगे 25 तारीख, क्योंकि रिकॉर्ड डेट है। जिनके पास ऑलरेडी ये शेयर है तो 25 तारीख तक आपको शेयर को होल्ड करना है, तभी जाके आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो याद रखिए, 11 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड देने का ऐलान किया, 25 तारीख कंपनी का रिकॉर्ड डेट है, और विद इन 2 हफ्ते के अंदर जो होता है 15 जून, आप कह सकते हैं 15 जून के अंदर आपके जो डिविडेंड के पैसे हैं वो आपके अकाउंट में कंपनी की तरफ से क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो याद रखिए, 11 रुपये का डिविडेंड है, 25 तारीख रिकॉर्ड डेट है, और 15 जून के अंदर कंपनी के जो डिविडेंड के जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।